नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र गोयल है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ ब्रदरहुड क्लब का। ये ब्रदरहुड का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मेरी वाइफ रुचि गोयल, ये ब्रदरहुड का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ब्रदरहुड प्रीमियर लीग, जिसके अंदर ये क्रिकेट होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। ये चार दिन, इस बार चार दिन से चल रहा है और आज फाइनल डे है, तो अभी ये फाइनल मैचेस चल रहे हैं। और इसके अंदर यूथ, यंग 15 साल के बच्चों से लेकर 65 साल के लोग सब इन्वॉल्व होते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव है, तो हम बहुत नेटवर्किंग हो जाता है, सब साथ में आ जाते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स, एक कोई भी स्पोर्ट्स जब प्रमोट होता है तो उसमें हेल्थ प्रमोट होता है, और जब वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो काफ़ी लोगों को हेल्थ बेनिफिट हुए हैं। तो ये 10 सालों से चल रहा है ब्रदरहुड के अंदर, और हमको ओवरऑल इसकी वजह से बहुत बॉन्डिंग नज़र आई है, पर्टिकुलरली यूथ के अंदर, यूथ और सीनियर के बीच की जो बॉन्डिंग है उसके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल ब्रदरहुड काफ़ी सोशल काम करता है, इसके साथ में ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ काफ़ी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स रहते हैं। आप क्राउड देख सकते हो, आप इन्वॉल्वमेंट लोगों को देख सकते हो, आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है, और इसको हम और आगे अगले आने वाले समय में और इसको अलग तरीके से और आगे लेके जाना चाहते हैं। धन्यवाद। राकेश अग्रवाल, ब्रदरहुड के लिए मैच अरेंज करते हैं, और हमारी भी टीम इसमें थी, हम लीजेंड्स में खेले फ्रेंड्स इलेवन में। हमारी लास्ट, हमारे चार टीम थी लीजेंड्स में, सबसे लास्ट टीम काउंट कर रहे थे हमको, लेकिन हम फर्स्ट में निकले, और हमने हमारे पूरे जोश के साथ हमारे 11 लोगों ने मैच को एक और बार उसी दिशा में लगातार तीसरी गेंद जाती हुई अंजू जी के पास, फर्स्ट नंबर पे आ गए। जोरदार ताली अंजू जी के इस एफर्ट के लिए। हो गया फाइनल हमारा, 27 गेंद, फाइनल जीत गए, 41 रनों की आवश्यकता। क्या फिर एक और बाकी, चार गेंद भी अंजू जी के पास जाती हुई, पहले 30 रन में आउट हो गए जी, और गेंद का तीन ओवर में बाहर हो गए। हमारे सब लोगों को लगा कि शायद हम लोग बाहर हो गए। सामने वाली टीम बहुत जोश में थी, लेकिन हमारी बैक जो भी थे पीछे से, हमारे जो भी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्होंने टीम को 10 प्लस रन रेट से लेके जाके 11.5 रन रेट पे जाके रुकाया। पूरा समय लेते हुए बल्लेबाज एक बार गई हुई बाजी में वापस जान लगा ली, उसके बाद हम लोगों ने चालू किया। पहले उनके टॉप बल्लेबाज को हमने बहुत जल्दी से आउट लेने को दी, फिर उसमें वापस जाना के साथ बहुत मेहनत करके ये जीत गए। कितना मुश्किल था उनसे जीतना? बहुत मुश्किल था, मतलब हमारी टीम बहुत, उनकी टीम टफ थी, हम फोर्थ नंबर पे थे, हम फर्स्ट नंबर पे आ गए। पांचवी बार गेंद जाती हुई अंजू जी के पास, 20 रन से जीती है, बेस्ट की कंटेंडर क्लब की स्थापना हमने एक लोगों को मिला के साथ में आगे बढ़ाने का उसके लिए की, और आज हमारी ये क्लब इतना अपने लेवल तक पहुंच गई कि वो एक चार चार दिन के हमारे क्रिकेट मैच में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब प्रोत्साहन दे के लेके आती है। और आज हम 25 साल पहले हमने स्थापना की थी, आज हम 25वां वर्ष हमारी क्लब का 25वां साल मना रहे। अच्छा, जब क्लब स्थापना की थी आपने, तो क्या सोचा था कि इतना बड़ा बनेगा इतने में? और फिर एक बार जो ज्यादा नॉइज करेगा, मैं नहीं सोचा था, पर आज इतना बड़ा क्लब देख के बहुत ही मन में उत्साह आता है कि हमने स्थापना की और आज ये क्लब इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है कि जो हमारे अबाउट 150 मेंबर्स हैं और ये इतने बड़े बड़े मैच अरेंज करता है और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, हर साल नाम रोशन करते हैं। जब भी हमने स्टार्ट किया उस समय 11 मेंबर थे, और हर साल बढ़ते बढ़ते आज अंदाजा 150 मेंबर तक पहुंच गए हैं। आगे कैसे देखना चाहते हो, आगे जो आने वाले कुछ साल है, संस्था कहाँ पे रहेगी, ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, अभी मेंबर की संख्या तो अभी काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेंबर आएंगे तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होते हैं, पर क्लब अपना आगे बढ़ता जाएगा और अच्छे अच्छे प्रोग्राम या इस तरह के जैसे क्रिकेट है या और भी प्रोग्राम क्लब अपना अरेंज करती जाएंगी, और सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं, मिलते हैं। हमारे अभी जो प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने एक नया बैडमिंटन का भी मैच अरेंज किया था, वो भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट हुआ था। और इस साल जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने हर महीने तीन तीन चार चार प्रोग्राम करके प्रोग्राम की संख्या बहुत आगे बढ़ाई है, और हेल्थ के रिलेटेड भी प्रोग्राम बहुत सारे दिए उन्होंने, और सब जितने भी आने वाले प्रेसिडेंट है, एक से एक बढ़ के प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज हाइप हो गया ब्रदरहुड का, पूरे पूना में हाइप है।
बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा ब्रदर। थैंक यू सर। जितने वाले मन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर जीतने वाले क्लब को मेरी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए जिससे वो जीते। हम लोगों के चमड़िया क्वींस हैं और ये हम लोगों के मेंबर ये प्लेयर्स हैं। इन लोगों ने बहुत सुपर खेला है, बहुत बहुत अच्छा खेला है। हम लोग फोर मैच पूरे जीते हैं और लास्ट का जो सुपर ओवर था वो भी हम लोगों ने जीता है। हम लोगों के पीएल प्लेयर्स ने बहुत मेहनत करी है। सर हमारे कोच सर मेरे को हर प्लेयर ने बहुत कोऑपरेट किया है और हमारे कोच सर के वजह से हम टारगेट मिला और कैसे आपने अचीव किए? हमको 83 रन का टारगेट मिला, 68 फाइनल्स में हमको 68 रन का टारगेट मिला था, हमने उसको टाई कर दिया। फिर हम सुपर ओवर में चले गए, सुपर ओवर में हमने एक ओवर में 11 रन बनाए जो वो लोग हमको चेस नहीं कर पाए। जिन्होंने हमको इतना अच्छे से कोचिंग किया, इतना अच्छे से हमारे बीच में बॉन्डिंग बनाई तो हम इतना अच्छा गेम खेल पाए और चारों मैचेस बैक टू बैक जीत पाए हम। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड आवर बेस्ट अरुण सर के साथ साथ हम उनकी वाइफ पूजा का भी थैंक्स करेंगे जो उनका हाथ में प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें टू व्हीलर पर लाती थी। थैंक यू पूजा एंड वी आर थैंकफुल टू ब्रदरहुड जिन्होंने हमें चांस दिया खेलने के लिए। थैंक यू चमारिया क्वींस जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया। थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स करना चाहूँगा चमारिया क्वींस की सभी प्लेयर्स का। सब लोग वुमेन्स हैं, अपने डेली टाइम में से टाइम निकालते हैं शेड्यूल में से खेलने के लिए, दो दो तीन तीन घंटे, एक घंटे का बोल के आते हैं, मैं सबको दो घंटे ढाई घंटे प्रैक्टिस कराता हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। और इस बार ब्रदरहुड प्रीमियर लीग में एक रिकॉर्ड बना है, हमारी प्लेयर है सीमा मैम जिन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट के अंदर 50 स्कोर किया है और ये सबसे बड़ी अब तक की अचीवमेंट है। उन्होंने 26 बॉल पे 60 रन मारे हैं और विद 8 फोर्स। ये पहला रिकॉर्ड है कि वुमेन्स क्रिकेट के अंदर में इतने चौके मारना एक इनिंग में और एक 50 स्कोर करना। सो 3 चीयर्स टू सीमा मैम। सबसे पहले मैं हमारी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की कि जो मुझे भी बिलीव नहीं था कि हम लोग चारों मैच जीतेंगे और सुपर ओवर भी खेलने का नौबत आएगा। हमारी टीम ने जो परफॉर्म किया, एक्सीलेंट परफॉर्म किया, हर एक टीम में प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने जितनी मेहनत इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए जो प्रैक्टिस की, अपने घर के काम छोड़कर आकर इन्होंने प्रैक्टिस की, पूरा समय दिया और उन्होंने उन्हीं की वजह से आज यह चमड़िया क्वीन जीत पाई है। उसी के सब लोग हिस्सेदार हैं, हम लोग कुछ नहीं। हमने तो हमें उस चीज़ की खुशी है कि मैं मेरी टीम की चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ उससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहिए, वही मेरी जीत है।